पानी बहुत ठंडा है, बर्फ का पानी है। एक प्रकार से हमारी ट्रेकिंग भी चल रही है, हम जंगलों के बीच में से जा रहे हैं। अगर रोप हाय गाइस, कैसे आप लोग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज हमारा दूसरा दिन है, आज हम मसूरी के अंदर घूमेंगे और आज सबसे पहले हम बाटा फॉल के अंदर जाएंगे और जाके बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो चलो आपको भी घुमाते हैं। कहाँ घुमाएंगे? बट्टा फॉल जाने के लिए जो रास्ता है वो वापस जब देहरादून जाते हैं तो नीचे मसूर से भी नीचे आना पड़ता है 5 किलोमीटर के लमसम, तब जाके बट्टा फॉल आता है। जब हम बट्टा फॉल पहुंच चुके हैं और अभी हम ये देखो बोर्ड लगा हुआ है, अभी इधर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं बट्टा फॉल के लिए और रास्ता कंटिन्यू फॉर 1 किलोमीटर। तो गाइस मैं नीचे पहुंच चुका हूं और मैंने यहां गाड़ी पार्क कर दी है इस तरीके से, और ये जो रोपवे के साइड वाला रास्ता है मैं इस रास्ते से नीचे आया हूं। यहां 100 रुपये पार्किंग का लिया है, वो सामने ब्लू वाला है हट बना हुआ है वहां पार्किंग का है, वहां पे पर्ची कट जाती है। अगर आप भी आना चाहते हो तो आप अपनी गाड़ी भी ये साइड वाले रास्ते से लेके नीचे आ सकते हो। अगर आप गाड़ी लाओगे तो आपको रोपवे का जो पैसा है वो बच जाएगा, रोपवे से आने जरूरत नहीं है अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आते हो या टैक्सी लाते हो तो। नहीं तो एक पार्किंग ऊपर रोपवे के पास भी है। और गाइस ये देखो हम इतना नीचे पहुंच गए हैं, ये बिल्कुल चारों तरफ से इतना, हम जंगलों के बीच में से जा रहे हैं। अगर रोपवे से आते तो शायद आप इस चीज़ का आनंद नहीं उठा पाते। तो गाइस हम इसके अंदर एंट्री करके बट्टा फॉल में, यहाँ 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेज है। और ये देखो सबसे अच्छी बात यहाँ की जो है खास, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, ये झरने में रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट बना हुआ है और इसके नीचे से पानी निकल रहा है। ये देखो आप मतलब रेस्टोरेंट इस तरीके से बना हुआ है कि ऊपर से झरना आ रहा है, टेबल चेयर लगी है, आपको जो सर्व करना है तो बैठिए, अपना खाइए, पाँव अपना पानी में रखिए। तो ये यहाँ का ये मेन है, इसलिए ऐसा नाम पट्टा फॉल नहीं आया। बाकी ये इस तरह से ट्रोलियाँ ये जा रही है और ये एक्टिविटी है जिसको जो करनी है, हर एक्टिविटी का अलग अलग चार्जेज है, सिर्फ एंट्री फीस अलग 50 रुपये पर पर्सन है और बाकी इसके अलावा जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसका चार्ज अलग है। अभी चलिए देखते हैं क्या इधर तो कुछ नहीं है। और इस चार्ट को मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा और ये ऊपर से, लेकिन अभी तक खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, अभी नया नया जोश है, खुशी है। और यहाँ का पानी बहुत ठंडा है, बर्फ का पानी है, आओ तो चलो चलो ऊपर बैठ जाओ और मज़ा आ रहा है। गाँव के नीचे पानी है, बर्फ का पानी, ज़्यादा ठंडा बर्फ जैसा पानी। सेम कैंपुटी फॉल की तरह है, वहाँ पे भी ऐसे बने हुए हैं और लेकिन आप जा सकते हो, खा नहीं सकते। और बट्टा फॉल के अंदर आप यहाँ एंजॉय कर सकते हो। पाँव ऊपर करते हो, ज़्यादा देर नहीं आपको ऊपर करना ही पड़ेगा।